हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारे टेस्टी और फ्रेंड क्रिस्पी नाश्ता। ये देखिए फ्रेंड, मेरा नाश्ता कितना क्रिस्पी है। वो भी फ्रेंड आधा कटोरी सूजी और फ्रेंड ब्रेड से। और फ्रेंड ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है फ्रेंड। और ख़ास बात फ्रेंड ये है कि ये फ्रेंड नाश्ता बच्चे और फ्रेंड बड़ों सभी को फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है खाने में। और फ्रेंड ये नाश्ता बहुत जल्दी बनता है। आपका फ्रेंड जब मन करे तब फ्रेंड आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो फिर नाश्ता बनाने के फिर मैंने लिया है टमाटर। फ्रेंड ये देखिए फिर मैंने टमाटर के बीच वाले भाग कट कर दिया है। और फिर मैंने शिमला मिर्च लिया है, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और फिर कटा हुआ फिर प्याज है। फिर इसमें आप और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। साथ ही फिर मैंने कुछ मसाले लिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक है, फिर सब्जी मसाला है, थोड़ा सा अजवाइन और मंगाइले फिर। फिर अजवाइन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ में फिर मैंने जीरा भी लिया है। और फिर मैंने ब्रेड लिया है, ये देखिए मैंने कुछ ब्रेड लिया है। फिर सबसे पहले फिर हम लोग एक बर्तन लेंगे, गहरा फिर बर्तन हो तो। ये देखिए फिर मैंने एक बर्तन लिया है। और फिर हम लोग इसमें सूजी को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फिर मैंने सूजी को ऐड कर दिया है। और साथ में फिर हम लोग जो सारी सब्जियाँ फिर प्याज, टमाटर, मिर्चा फिर सबको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड मैं सारी सब्जियों को ऐड करती हूँ। और फ्रेंड ये नाश्ता खाने बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है और बहुत जल्दी बनता है। आप इसको फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग ब्रेकफास्ट या फिर जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे फिर आप इसको बनाकर खा सकते हैं। फिर आप चाहो तो इस बैटर को घोल कर भी रख सकते हैं। आज आप फिर आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए फिर मैंने सारी सब्जियों को ऐड कर दिया है। अब फ्रेंड हमने इसमें जो मसाले हैं फ्रेंड हल्के जो हमारे मसाले हैं नॉर्मल फ्रेंड मसाले, इसको फिर हम लोग ऐड करेंगे। और फ्रेंड सभी सामग्री को फ्रेंड अच्छे से मिक्स करना है। और फ्रेंड आप चाहो तो इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ में फिर मैंने इसमें टेस्ट अनुसार नमक डाला है, बट फिर मैंने इसमें खड़ा जीरा डाला है ताकि फ्रेंड उसका टेस्ट खाने में और फ्रेंड अच्छा लगता है। और फ्रेंड सभी सामग्री को फ्रेंड अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोल तैयार करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा फ्रेंड इसमें पानी ऐड करना है। एक ही साथ ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो फिर हमारा जो घोल है फ्रेंड काफ़ी पतला हो जाएगा। तो ये देखिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बनाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड जो हम लोग घोल बना रहे हैं फ्रेंड ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं फ्रेंड ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। फिर हमारा जो फ्रेंड जो घोल है, जो बैटर है फ्रेंड अभी काफ़ी गाढ़ा है, इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। कि देखिए फिर मैंने और पानी ऐड कर दिया है। अब फिर इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप फिर इसको ढककर 10 मिनट के रख देंगे ताकि फिर जो हमारा बैटर है अच्छे से फिर फूल जाए, क्योंकि फिर सूजी जो हमने मोटी वाली है फूली नहीं है। आप फिर कोई भी सूजी ले सकते हैं। चलिए फिर हम लोग ढक्कन हटाकर बैटर को चेक करते हैं। तो ये देखिए फिर हमारा जो फिर बैटर है तैयार हो चुका है, लेकिन अभी फ्रेंड थोड़ा गाढ़ा है, सूजी एकदम फूल चुकी है। अब इसमें पानी हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा। फ्रेंड सूजी हमारी फूल चुकी है, पर फ्रेंड हमारा जो बैटर है गाढ़ा था। फ्रेंड अब इसमें कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो आपको मन करे वो सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अब गैस की तरफ। और फ्रेंड ये नाश्ता खाने बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी लगता है फ्रेंड। तो आप लोग उसको बनाइएगा फ्रेंड और खाइएगा। और फ्रेंड बताइएगा फ्रेंड आपको हमारे जो नाश्ता का टेस्ट फ्रेंड कैसा लगा। और फिर हमारा बैटर जो है एकदम परफेक्ट है। तो ये देखिए फिर मैंने गैस पहले से तवा रखा है फ्रेंड, तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो फिर हम इसमें हम लोग ऑयल लगाएँ, ऑयल लगाइए, बटर लगाइए, घी लगाइए, फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसको फिर हम लोग अच्छे से फ्रेंड फैला देंगे। और फिर हम लोग एक ब्रेड लेंगे और फिर इसको बैटर के अंदर डालेंगे। फिर आपको ब्रेड को बैटर के अंदर डालकर तुरंत छोड़ना नहीं है, फिर आपको तुरंत निकालना है। अगर फिर आप जो ब्रेड है फ्रेंड इसको अंदर छोड़ देंगे तो हमारा जो फ्रेंड ब्रेड है टूट जाएगा। तो अब फ्रेंड इसको डालना है मैंने बैटर में डालकर तुरंत आपको तवे पर फ्रेंड डालना है। तो ये देखिए फिर मैंने तवे पर डालती हूँ। ये देखिए मैंने तवे फ्रेंड डाल दिया है। और फ्रेंड गैस का फ्रेंड फ्रेंड धीमा होना चाहिए फ्रेंड। हम लोग फ्रेंड इसको धीमे अच्छे बनाएंगे तभी फ्रेंड ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, ऊपर से फ्रेंड क्रिस्पी लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड अभी टाढ़ा, अभी फ्रेंड जो हमारा नाश्ता है फ्रेंड एक साइड से पका नहीं है। हम लोग फ्रेंड साइड साइड थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए फिर मैं साइड साइड थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस पर। और फिर इसको धीमे आंच पकाएंगे फ्रेंड। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी फ्रेंड लगता है। ऊपर से फ्रेंड क्रिस्पी फ्रेंड एकदम क्रिस्पी बनेगा, कुरकुरा टाइप का। और फ्रेंड अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा फ्रेंड। और फ्रेंड खास बात ये है फ्रेंड ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है फ्रेंड।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ ऊपर भी हल्का सा, ताकि फ्रेंड जब हम उसको पलटेंगे तो फिर दूसरी साइड अच्छे से फ्रेंड पक जाए। तो ये देखिए फिर मैं पलटती हूँ, ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको पलट दिया, देखिए फ्रेंड कितना अच्छा फ्रेंड कलर आया है ये देखिए। तो फ्रेंड धीमी आँच पे पकाएंगे तो फ्रेंड ऐसे धीमी आँच पे पकाने से फ्रेंड ऐसे ही होता है कि ऊपर से क्रिस्पी और फ्रेंड अंदर से बहुत सॉफ्ट बनता है। ये देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड आपका बैटर अगर ऐसा रहेगा तो आपका नाश्ता फ्रेंड बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा जो नाश्ता फ्रेंड धीरे पक रहा है, आपको फ्रेंड ऐसे उलट पलट पकाना और फ्रेंड इस साइड भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। फिर आप घी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटर भी लगा सकते हैं, जैसे आपको खाने का मन करे आप वो लगा सकते हैं जो खाने का मन करे। अब फिर इसको हम लोग ऐसे उलट पलट कर फिर पकाएंगे, ये देखिए फिर हम लोग ऐसे उलट पलट कर पकाएंगे। फिर ये देखिए फिर दूसरे साइड से फिर कितना अच्छा फिर देखिए कलर आया है। और फिर खास बात ये है फिर इस नाश्ते के साथ फिर ना आपको चटनी चाहिए, ना अचार, ना सॉस, ना चाय, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए फिर हमारा नाश्ता एकदम तैयार हो चुका है फ्रेंड, ये देखिए। अब फिर इसको हम प्लेट में निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको ऐसे ही दूसरा फिर नाश्ता बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फिर मैंने दूसरे नाश्ता को फिर डाला है, ये देखिए। फिर ऐसे ही उलट पलट कर फ्रेंड पकाना है। फिर थोड़ा पलटने में मुझे प्रॉब्लम होता है क्योंकि फ्रेंड मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए। तो ये देखिए फिर मैं इसको पलट, ये देखिए फिर। तो फ्रेंड सारे नाश्ते को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड खाने में, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है फ्रेंड और बहुत क्रिस्पी बनता है फ्रेंड। आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग ब्रेकफास्ट, बच्चों को लंच बॉक्स में कभी फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा दूसरा नाश्ता भी फ्रेंड बन गया। एक फ्रेंड में बनाई थी तो मेरी बेटी लेकर चली गई थी खाने के लिए छोटी वाली। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा फ्रेंड जो नाश्ता है फ्रेंड, सारा नाश्ता फ्रेंड बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। ये खाने में बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत फ्रेंड क्रिस्पी लगता है। और फ्रेंड खास बात ये है कि फ्रेंड आप इसको जब मन करे तब बनाकर फ्रेंड खा सकते हैं, बहुत जल्दी बनता है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, और साथ में फ्रेंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड और खाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, राधे राधे फ्रेंड, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बहुत खुशी फ्रेंड बनाइए नाश्ता। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।